हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के क्लिनिकल फीचर्स विद डोजेज एंड पोटेंसी की जानकारी देने जा रही हूँ। तो नक्स वोमिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीक्रस्ट मेडिसिन होती है होम्योपैथिक पे, जिस पे मैंने फुल वीडियो भी अपलोड किया हुआ है फुल मेडिसिन पे, तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देन आज मैं बात करूँगी सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स पे, मतलब क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है नक्स वोमिका मेडिसिन। तो जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन हेड टू टो वर्क करती हैं, लेकिन कुछ क्लिनिकल पिक्यूलर सिम्टम्स होते हैं जिस बेस पे उसको चूज किया जाता है। तो आज मैं वही पिक्यूलर और क्लिनिकल फीचर्स ही आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं नक्स वोमिका के बारे में कुछ पिक्यूलर सिम्टम्स। और जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की जानकारी के वीडियोस और आपको मेरे लाइव क्लिनिक के नोटिफिकेशंस मिलते रहें सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका, आइए जानते हैं क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ मैं। तो क्लिनिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं एंटीडोट के लिए बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही मेंटल सिम्टम्स यानी नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो आइए शुरू करते हैं इन कंडीशंस में, किन कंडीशंस में इसको यूज़ की जाती है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एंटीडोट। एंटीडोट जैसे कि सबसे पहला वर्ड जो नक्स वोमिका का होता है, आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूनिवर्सल एंटीडोट मेडिसिन कहा जाता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्यों है, ये किसी भी टाइप की होम्योपैथिक मेडिसिन, स्पेशली जो है वेजिटेबल किंगडम की जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, अगर उसमें कोई एग्रवेशन हुए हैं आपको लेने के बाद में, तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स पहले क्या आएंगे। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो आपको बताता है कि वो पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुका है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले चुका है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था जिससे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, या फिर वो बताएगा आपको कि फुल डे में वो बहुत सारी चाय पीता है, बहुत सारी कॉफ़ी पीता है, दिन में 8-10 कॉफ़ी पी जाता है और उसको बार बार क्रेविंग रहती है वर्क करते वक्त कि उसको कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, और शाम को डेली अल्कोहल लेता है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से लंबे समय से उसने पर्गेटिव्स लिए हुए हैं या लैक्सेटिव्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके के अगर मेडिसिंस लेने के बाद में आपके पास पेशेंट आया, तो सबसे पहले आप जितने भी बैड इफेक्ट्स उन लोगों के उसकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं उसको एंटीडोट करेंगे नक्स वोमिका से। तो नक्स वोमिका को यहाँ पर कैसे यूज करना है एंटीडोट करने के लिए, नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में यूज करना है, दिन में 3 बार देना है और 3 दिन तक देना है। तो सबसे पहला जब पेशेंट आया उसने ये बताया, तो आप 3 बार दिन में 3 दिन तक नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में देंगे। और इसको हमेशा नून में दिया जाता है, इवनिंग में दिया जाता है, नाइट में दिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट कभी नहीं दिया जाता है, और रात में लेट नाइट सोने से जस्ट पहले नहीं दिया जाता है, सोने के थोड़ी देर पहले ही दिया जाता है। तो इसको 3 तरीके से ऐसे देने के बाद में आप जो है अपना आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन के लिए वो आया है, भले ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं आया है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आया है, अगर वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आए तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, एंटीडोट करेंगे पहले फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है नक्स वोमिका का डिस्टर्ब रहता है जहां पर, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो क्या सिम्टम्स लेके आएगा पेशेंट आपके पास में, तो जहाँ पर भी आपको जो है गैस्ट्रिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बात की हुई है कि पेशेंट का जो फिजिकल वर्क कम है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफ जिसको बोला जाता है वो है, साथ में वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी, पर्गेटिव्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा लेता है, अल्कोहल पीता है, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। या फिर जब कई भी पार्टीज़ में एक्यूट कंडीशंस में ओवर ईटिंग करता है, तो वहाँ पर भी अगर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, डिसेंट्री हो जा रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि कंपेयर करेंगे आर्सेनिक मेडिसिन। अगर आपको कहीं बाहर आप खाना खाए हैं पार्टी में और उसके बाद में आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो फूड पॉइजनिंग एक अलग कंडीशन होती है, क्योंकि वो स्पॉइल फूड वगैरह के लेने की वजह से हुई थी, तो वहाँ पर वो आर्सेनिक वर्क करेगी। लेकिन ओवर ईटिंग कर ली है, डाइजेशन आपका उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपने ज़्यादा खा लिया है और जो है ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें और जो है फैटी चीज़ें खा ली हैं, तो वहाँ पर नक्स वोमिका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री तीनों कंडीशन से बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है नक्स वोमिका। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा जाता है कि जो मैंने जैसे ऊपर कॉजेस बताए कि अगर वो बहुत ज़्यादा पर्गेटिव्स लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें लेता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वहाँ पर उसकी वजह से ही यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखा गया है।
तो वहाँ पर डाइजेशन वीक है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, साथ में डिस्पेप्सिया हो रहा है, मतलब कि खट्टी डकारें आ रही है, मुँह में खट्टा पानी आ रहा है, तो इस तरीके से अगर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टूल की कंडीशन देखी जाती है स्पेशली, तो स्टूल हमेशा सॉफ्ट होता है और हमेशा इनफेक्चुअल अर्जिंग फील करता है, मतलब कि अगर वो पेशेंट स्टूल सुबह मॉर्निंग में जाता है, वहाँ एक बार में उसको स्टूल पास नहीं होता है, स्टूल पास करता है, थोड़ी देर बाहर आता है, फिर उसको बाद में थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगता है, उसके थोड़ी ही देर में फिर से उसको अर्जिंग फील होने लग जाती है स्टूल के लिए। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन, चाहे वो डायरिया डिसेंट्री हो चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, सभी जगह इस टाइप के स्टूल देखा जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट को जो है डिसेंट्री अगर हुई तो साथ में म्यूकस और थोड़ी ब्लीडिंग भी देखी जाती है, और जो है डायरिया भी हो रहा है तो वहाँ पर वो एक बार में थोड़ा ही स्टूल पास करेगा, सॉफ्ट स्टूल पास करेगा, और साथ में उसको फिर से अर्जिंग आ जाएगी थोड़ी देर में। तो अर्जिंग जो है, बार बार अर्जिंग लगना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटेस्टाइन के एक पैरास्टाल्सिस मूवमेंट्स जो होते हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं, तो पैरास्टाल्सिस मूवमेंट्स की वजह से वहाँ पर उसको थोड़ा सा ही स्टूल पास होता है, इररेगुलरिटी हो जाती है, फिर थोड़ी देर फिर से उसमें रेगुलरिटी आती है, तो फिर से उसको अर्जिंग फील होती है, तो इस वजह से वहाँ पर उसको इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। और डाइजेशन ख़राब इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा उसने जो है पल्गेटिव लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है, तो फैटी लीवर भी देखा जाता है, फैटी चेंजेस भी देखे जाते हैं वहाँ पर लीवर में। तो लीवर के अफेक्शन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी नक्सोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। तो नक्सोमिका इन कंडीशंस पर गैस्ट्रिक इश्यूज़ में लिया जा सकता है। अब मैं बात करूँगी कुछ मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम्स में बात करूँगी, तो मेंटल सिम्टम्स जो होम्योपैथिक में नक्सोमिका के होते हैं, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, झगड़ालू होता है, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है। इस तरीके के अगर पेशेंट हैं जहाँ पर आपको बाकी के सिम्टम्स भी मैच दिखाई दे रहे हैं, गैस्ट्रिक इशूज़ दिखाई दे रहे हैं और मेंटल सिम्टम्स इस तरीके के हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स में भी बहुत इफेक्टिव होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, लेकिन अगर आपको पेशेंट्स का मेंटल सिम्टम्स इस तरीके से दिख रहा है तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है नक्सोमिका। स्पेशली जो है नाइट वॉचर्स, मतलब कि रात भर जागते हैं, उसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक इश्यूज हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है कि नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मोशन सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपका डाइजेशन जो होता है, घूम फिर के आपका जो रीज़न आता है, आपका सारी जो कॉजेज होते हैं यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं, वहाँ पर आपका डाइजेशन पे जाके हो जाता है कि इस वजह से आपका डाइजेशन खराब हुआ है। तो यहाँ पर पाइल्स भी देखा जाता है, तो यहाँ पाइल्स में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो जाती है, वो है सल्फर। तो सल्फर के साथ में अगर नक्सोमिका दिया जाए, सल्फर को सुबह मॉर्निंग में दिया जाता है और नाइट में अगर नक्सोमिका दी जाए 200 पोटेंसी में ही, तो दोनों में अगर दी जाए तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ आपका पाइल्स भी ठीक हो जाता है। तो नक्सोमिका में ये अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फर ज़रूर दें, तो बहुत ही इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। देन अब मैं बात करती हूँ एंटी इसकी जो है इनिमिकल मेडिसिन पे। तो इनिमिकल मेडिसिन होती है जिंकम मैट, तो जिंकम मैट के साथ में कभी भी नक्सोमिका को यूज़ नहीं करना चाहिए। और गैस्ट्रिक इश्यूज़ में आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा डोजेस देने की ज़रूरत नहीं होती, अगर क्रॉनिक कंडीशन है वहाँ पर अगर आपको नक्सोमिका 200 पोटेंसी नाइट में दी जाए एक बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। देन अगर इसके अलावा जो है आप अगर एक्यूट कंडीशन डायरिया डिसेंट्री हो रही है, वहां पर आप 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, नून और नाइट में। तो इस तरीके से आप यूज कराएंगे तो एक्यूट कंडीशन के लिए, और क्रॉनिक कंडीशन के लिए सिंगल डोज भी काफी होता है पर डे का। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे नक्सोमिका। ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स, जो कि आपको एंटीडोट बताया मैंने, गैस्ट्रिक इश्यूज़ बताया, और साथ ही साथ मेंटल सिम्टम्स बताए। अगर ये मैच करते तो नक्सोमिका किसी भी कंडीशंस में दी जाती है, अगर आपको अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो। तो चलिए ये थी पूरी जानकारी। आपको वीडियो आज का कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, गुड बाय।